हम अपना किचन डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। किचन डिजाइन के लिए हमने एक साइज ले लिया टॉप व्यू के लिए 15 बाई 30 फिट। इसमें हम अपना किचन और डाइनिंग एरिया दोनों एडजस्ट करना चाहते हैं, तो साइज ले लिया हमने यहाँ से 30 फिट बाई 15 फिट। ये हमारा कारपेट एरिया आ गया इनर का। इसके चारों तरफ हमने 9 इंचेस की वॉल देते हैं बाहर की तरफ। अब इसमें सिंगल स्लैब किचन देना है हमें, उसके साथ एक काउंटर देना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोड किया। किचन का जो स्लैब आएगा वो आपका 2 फिट का होता है स्टैंडर्ड, 2 फिट छोड़ दिया हमने। राइट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में हमारा फ्रिज का एलिमेंट देना है हमें। तो फ्रिज का विड्थ जो होता है वो आपके अलग अलग साइज की आती है। स्मॉल छोटी वाली जो फ्रिज होती है, जो आपकी 150 लीटर के अंडर होती है, वो आपकी 2.5 फिट की विड्थ की होती है, उसके लिए 3 फिट जोड़ते हैं, ठीक है। 250 लीटर वाली जो होती है वो आपकी 3 फिट की होती है, उसके लिए 3.5 छोड़ते हैं। और फिर उससे बड़ी कैपेसिटी की होती है जो एक्स्ट्रा लार्ज फ्रिजेज होते हैं, डबल डोर वाले कैबिनेट के तौर पे जो खुलती हैं, वाली फ्रिज जो होती है वो आपकी 3.5 फिट तक की हो जाती है। तो उनके लिए 4 साढ़े 4 फिट की जगह छोड़नी पड़ती है हमें, ठीक है। तो आपके अलग अलग साइजेस के फ्रिज होते हैं, उसके हिसाब से हम स्पेसिंग छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 3.5 फिट का साइज छोड़ देता हूँ फ्रिज के लिए। हो गया 3.5 फिट का। अब काउंटर इसके आगे आएगा। काउंटर और स्लैब के बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारा, 3 से 4 फिट का कम से कम गैप होना चाहिए, ताकि आराम से पीछे मूवमेंट बना रहे। काउंटर की अपनी विड्थ भी 4 फिट ले लिए हमने, यहां से स्पेसिंग भी काउंटर की 4 फिट दे दी हमने। इधर से विड्थ भी हमने 3 फिट, वॉल से आने जाने का रास्ता 3 फिट का छोड़ दिया हमने। हेलो, काम चल रहा है। हाँ जी, इधर से 3 फिट का हमारा रास्ता हो गया आने जाने के लिए। अब यहाँ आगे की तरफ हमारी बालकनी है, 6 फिट वाइड हमने बालकनी दे दी यहाँ से। अब इसको एक्सप्लोर किया ताकि अलग अलग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ये बालकनी आ गई हमारी। अब फ्रिज तो यहाँ रखेंगे हम। किचन यूनिट, किचन में हमें देना क्या क्या चीजें हैं। फ्रिज देनी होगी हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बनाने, एक आपकी पेंट्री यूनिट देनी होगी हमें, एक माइक्रोवेव यूनिट होगी, ठीक है। बीच में कहीं सिंक रखा होगा। सिंक के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ पे बीच में हम क्या कर रहे हैं, विंडो दे रहे हैं। तो विंडो एक दे देते हैं, लाएंगी मैंने यहाँ से मिडल से। फ्रिज तो यहाँ आ गई, इसके बाद माइक्रोवेव यूनिट आएगी हमारी। तो माइक्रोवेव यूनिट और फ्रिज और जो सिंक लगेगा उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। पहले माइक्रोवेव यूनिट देते हैं। माइक्रोवेव यूनिट आपकी 2 फिट 3 इंच की आप माइक्रोवेव यूनिट दे दो, क्योंकि जो बिल्ट इन माइक्रोवेव लगता है वो आपका 2 फिट का लगता है, ठीक है। तो 2 फिट 3 इंच का आपने क्लियरेंस के साथ उसका ले लिया, फिलर वगैरह लगा के हम उसको क्लियर कवर कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपका सिंक लगेगा। तो सिंक जो लगेगा वो बिल्कुल माइक्रोवेव से चिपक के नहीं लग सकता, क्योंकि बर्तन धो के साइड में हम थोड़ा बहुत स्पेस देते हैं रखने के लिए, 1.5 से 2 फिट का। तो अभी मैं 2 फिट लेता हूँ अगर, तो मैंने 2 फिट यहाँ से स्पेस छोड़ा, सिंक लगेगा। इसके बाद 3 फिट का सिंक हो जाएगा हमारा। तो विंडो जो होगी वो सिंक के रेस्पेक्ट में दी जाती है जनरली, या सिंक को विंडो के रेस्पेक्ट में रखा जाता है। डेढ़ फिट की इधर पेंट्री यूनिट हो गई हमारी कॉर्नर पे, ये आपका आ गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव यूनिट। अब इसमें स्पेस हमारा वर्किंग का बहुत कम मिल रहा है, तो हम एक काम करेंगे,
इस साइज को बढ़ा लेते हैं, हमने 15 लिया था, हम 18 फिट कर लेते हैं। तो हमने इधर से और बढ़ा दिया इसको 3 फिट, ठीक है, ताकि हमारे कैबिनेट्स वगैरह आराम से अरेंज किए जा सके। अब आप चाहो तो इसको उधर खिसका सकते हो या इसको उधर खिसका सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं माइक्रोवेव यूनिट को तक क्लियर छोड़ देता हूँ इसको। इस तरीके से कर लिया हमने। तो हमारा जो साइज हो गया इसके किचन के फ्लोर प्लानिंग के लिए 18x30 का आ गया। कुकिंग काउंटर ये हो गया, ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया। इसमें 5 इंच का ये आगे की तरफ नोज निकलती हुई दी है इसकी, ठीक है। खैर अभी हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। सो यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम क्या करते हैं, साइजेस लिख लेते हैं और बाकी चीज़ों का अरेंज कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ से 12 फिट पहले ऑफसेट किया, और यहाँ से 5 फिट का, स्लाइडिंग डोर आ जाएगा हमारा, है ना, 5 फिट का। आप 6 फिट भी कर सकते हो उसको, क्योंकि इधर सफिशियंट स्पेस हमारे पास रहेगा। आप चाहो तो 6 फिट कर लो इसको पूरा, ठीक है। ये 6 फिट हो गया हमारा, और यहाँ पे स्पेस ओपनिंग के लिए, इसको भी हम 5 ही रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हैच पे गए, लेयर पे गए, लेयर बनाई, किस चीज की लेयर बनाएंगे, लेयर को एक्टिव किया, यहाँ से कट किया, लाइन बनाई और वेरिएशन आ गया स्ट्रेच करने में कहीं। स्ट्रेच करने में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया मेरे को, इस वजह से वो खराब हो गया, उसको सही कर लेते हैं।
वर्किंग स्लैब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा अब हैच कर देते हैं, हैच एंटर किया, टी एंटर किया, यहाँ से इस प्रोफाइल के ऊपर हमने वॉल को हाईलाइट करने के लिए हैच कर दिया। हो गया, ओके कर दो, या गया। अब इनके अलग अलग एलिमेंट्स पर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, आगे बाहर की तरफ बालकनी है, ग्लास की रेलिंग लगी होगी। पहले एंटर ए आर डैश फसाड डैश, बाहर की चीज जो होती है फसाड वर्ड में जाती है, एक्सटीरियर की जो वर्किंग होती है ना, बालकनी जो होगी वो बाहर हो गई, एक्सटीरियर वर्किंग के लिए फसाड वर्क वगैरह रहता है, मेटल का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, वुड का हो सकता है। फसाड में हम किस टाइप के कर रहे हैं, ग्लास। तो इसका मटेरियल का कलर अलग कर देते हैं दिखाने के लिए, एक्टिव कर दिया इसको, कट किया, यहाँ पे लाइन बनाई और इससे क्या करवा दिया हमने इसको मैच कर दिया। अब किचन में एलिमेंट्स रखने हमने क्या क्या, रेफ्रिजरेटर है, सिंक है ना। तो अब माइक्रोवेव यूनिट टॉप व्यू से तो हमें दिखेगी नहीं, फ्रंट व्यू से दिखेगी। तो टॉप व्यू में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट कमांड से यहाँ पे लिखेंगे सारी चीज़ें क्या क्या कहाँ क्या क्या, बट जो चीज़ रख सकते हैं उसको रख लेते हैं। जैसे कि उसके लिए हमने क्या किया, लेयर कमांड पर गए, यहाँ से न्यू लेयर बनाई, ए आर डैश इंटीरियर डैश किचन, किचन में हम दो लेआउट बनाते हैं, काउंटर का हो गया, एक काउंटर के ऊपर के कबर्ड की डिटेलिंग दिखाते हैं, ठीक है, और ड्रॉअर की डिटेलिंग एलिवेशन में दिखाते हैं कि ड्रॉअर कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेंगे हमारे। इसका कलर डिफरेंट ले लेते हैं हम, प्रिंट का कलर क्या होगा हमारा, फ्रिज के लिए डिजाइन सेंटर पे गए, किचन यूनिट खुली हुई हमारी नहीं आएगी, तो हमें क्या करना है, होम पे जाना है, ई एन यू एस पे जाना है, डिजाइन सेंटर पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको किचन मिल जाएगा। किचन पे गए, ब्लॉक्स पे गए, कुकिंग रेंज उठा के रख दिया, सिंक लगेगा, सिंक में आपको टैप देना होगा, फॉसेट आ गया। अब सिंक मैं ये वाला नहीं दे रहा हूँ, मैं दूसरे टाइप के दूंगा जिसमें आपका डिश वॉशिंग का एलिमेंट भी इंक्लूडेड हो, वाला देंगे, इसको नहीं रख रहे हम। फ्रिज ये वाला ले लेते हैं हम, इसको उठा के रख दिया हमने, इसको यहाँ से कट किया, इन सबको रोटेट किया, मूव करके रखा, ठीक है, सब तरफ से 3-3 inches का गैप आ गया फ्रिज के। माइक्रोवेव यूनिट की जो विड्थ होती है वो हम फ्रिज के लेवल पे ही लेके चलते हैं जनरली, ताकि इसको कवर करके एक सिंगल यूनिट में बनाया जा सके, बट कई बार काउंटर के लेवल तक ही रखा जाता है, तो अभी मैंने काउंटर के लेवल तक ही रखा है। काउंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कहाँ कहाँ काउंटर होने वाला है, उसके लिए ए आर डैश इंटीरियर डैश काउंटर,
इसमें क्या डाले थे हमने? किचन, यूटिलिटीज, ठीक है। काउंटर का कलर अलग कर देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि सिंक आएगा यहाँ पे, तो सिंक को रखने के लिए सिंक की फाइल मेरे पास, मैं देखता हूँ अगर नहीं होगी तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक है हमारे पास। जिस टाइप की सिंक की जरूरत हो आपको वो आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने आपको बताया था ना अलग अलग टाइप के होते हैं। ये डबल डिश वॉशर, उसके साथ साइड में रखने के लिए स्पेस है। ये सिंगल डिश वॉशर है, उसमें साइड में रखने के लिए स्पेस है। इसमें ये वाला छोटा कटलरी के लिए हो गया आपके, ठीक है। और ये आपका बड़ा वॉशिंग एलिमेंट हो गया। अब रखना जो है साइज के हिसाब से रखेंगे। हमने कितने साइज छोड़ा उसका 3 फिट, उसके आसपास वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। और जितना स्पेस होता है उसके हिसाब से एडजस्ट करके रखते हैं। अब अगर मैं सोचूं मैं ये वाला देता हूँ, ये वाला, तो इसका साइज़ कितना है यहाँ से चेक कर लेते हैं। DLI एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, कितना दिखा रहा है? 1000 है, तो 3 फिट के आसपास ही रहेगा, 3, 3.5 फिट के आसपास, ठीक है, 3.25 के आसपास होगा। तो ये वाला भी ले सकते हो आप, तो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये बड़ा हो गया, ये 4 फिट वाला है आपका, ठीक है। तो ये वाला मत रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर स्पेस है आपके पास तो आप कोई भी रख दो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से इसका स्पेस देखता हूँ, ये कितना बड़ा दिखा रहा है। वो भी लिमिट के अंदर ही है, ये वाला भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आप पिकअप कर लिएगा जो आपको रखना। सपोज मैंने यही वाले को रखना है, या मैंने एक इसका ब्लॉक बना के भी रखा हुआ है। ये कौन सा है? अब मुझे ये वाला रखना है सपोज, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करके साइड में रखा। कॉपी करके रखने के बाद इसको एक्सप्लोड किया पहले। Then, अब क्या करना है? So, हम ये थे, इस पे थे कि इसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करके वापस से ब्लॉक पे गए, सिंक किचन के नाम से पिक पॉइंट मिडिल पॉइंट दे दिया हमने, ओके कर दिया। पहले इसको ब्लॉक बना दिया, अब इसको क्या करेंगे, राइट ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक पे गए, यहाँ से हो गया। और आप इसको कहाँ पे सेव कर रहे हो वो आप देख लो, डेस्कटॉप पे, कैट ब्लॉक के अंदर, राइट ब्लॉक के अंदर। वो यूनिट वो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। यहीं पे रख देते हैं, राइट ब्लॉक के अंदर सेव कर देते हैं। या एक और फोल्डर बना लो किचन के नाम से, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से सेव भी नहीं किया इसको, क्योंकि राइट ब्लॉक सेव कर दिया। इसको सेव करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सिर्फ क्या करना है, आई एंटर, यहाँ पे गए, दिस पीसी डेट
editor, desktop, cat blocks, cat block के अंदर, right block, इसके अंदर kitchen, sink, open किया हमने और यहाँ पे हमने पहले place किया, इसकी layer same करी पहले तो ठीक है, सिंक भी आ गया हमारा। अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सेंटर पे नहीं आ पा रहा, इसको मैं मूव कर देता हूँ। यहाँ से कितना बाहर निकल रहा है वो स्पेस देख लेते हैं, मिडिल में रखने की कोशिश करेंगे, 4 इंचेस बाहर निकल रहा है। इसको मूव कर दिए और इसको भी 3 इंचेस इसको कर 3 इंचेस। ठीक है, ये हो गया हमारा, अब इतना सेट हो गया हमारा। यहाँ हमारा काउंटर है, आज हम काउंटर की डिटेल देख लेते हैं, काउंटर को कैसे काउंटर कैसे रखने वाले हैं। तो इसके लिए पहले यहाँ पे साइजिंग वगैरह दे देते हैं, एलए एंटर किया, AR डैश किचन एनोटेशंस, इसको यहाँ से कट किया, अच्छा DLI एंटर किया, ऐसे ही रखते थे हम। मैं इसमें एक चीज क्या कर रहा हूँ, D एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, लाइन पे गए, पहले मैंने LT एंटर किया, लाइन टाइप पे गए, लोड पे गए, हिडन लाइन टाइप को लोड कर दिया यहाँ से। ठीक है, आगे लोड होके इसमें बनाया कुछ नहीं, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए और लाइन पे गए, ये दिख रहा है लाइन टाइप, इनको हमने हिडन में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स लेंथ को ऑफ कर दिया, ओके किया, सेट करें क्लोज। अब ये देख रहे हो ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, इसके लिए क्या क्या LTS एंटर किया, लाइन टाइप स्केल बढ़ा दिया हमने 10, 15 कर दिया। ठीक है, इसकी डिटेल आ गई पूरी। ये स्पेस किस चीज के लिए हो गया, रेफ्रिजरेटर के लिए, मैंने आपको बताया था काउंटर पे नोजिंग निकलती है हमारी। ठीक है, तो नोजिंग हम 4 इंच से 5 इंच रखते हैं ताकि उसके अंदर हमारे लेग आ सके, तो मैं इसको 5 इंच का अंदर दे देता हूँ। अब क्योंकि अंदर गया तो इसको डॉटेड होना चाहिए, तो डॉटेड करने के लिए इसके सेलेक्ट किया हमने, लाइन टाइप को इसके क्या कर दिया, हिडन लाइन टाइप कर दिया।
यहाँ क्या देने हैं हमें, स्टूल्स देने बैठने के लिए? स्टूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, हमने चेयर सर्किल कमांड पे गए, टी एंटर किया, टी एंटर किया, इंची का ही बनाया। इसको इसके कॉर्नर पर रखा और इसके फिर दूर कर दिया। फोर सेटिंग आ गई आपकी, और ठीक है, फोर सेटिंग आ गई हमारी, इसको भी मिरर कर देते हैं। ये आ गया हमारा, इसके नीचे हमारे ड्रॉअर आ सकते हैं, ऊपर इसके चिमनी आएगी, यहाँ पे कबर्ड आएंगे। अब ये हमारा किचन के काउंटर का लेआउट हो गया। अब हमें इसी के रेस्पेक्ट में कबर्ड्स का लेआउट भी देना होगा, तो कबर्ड का लेआउट या अब अपर लेआउट कैसे देंगे, उसके लिए हमने इसको कॉपी करके साइड में रख दिया।
फ्रिज के ऊपर जनरली कबाड़ हम जनरली नहीं देते, देते हैं तो स्लैब डाल देते हैं कई बार, वैसे जनरली नहीं देते। तो फ्रिज के एलिमेंट को तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके ऊपर कबाड़ आएंगे हमारे, पेंट्री यूनिट अपने आप में पूरी सेपरेट चलेगी, ठीक। इसको यहाँ से हटा दिया हमने, माइक्रोवेव यूनिट भी अपने आप में सेपरेट चलेगी। कबर्ड जो आएंगे वो इसके बीच में आएंगे, इधर आएंगे और यहाँ बीच में एक कबर्ड आएगा। कबर्ड की जो विड्थ होती है, डेप्थ होती है, वो हम कितनी देते हैं, 1 फिट, 1 फिट हद से देते हैं। तो 12 इंचेस का हमने इसको ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, विंडो के ऊपर कवर्ड नहीं दिए जाएंगे, तो इसको भी वहां से हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। इसके ऊपर क्या आएगी हमारी, चिमनी, इसके ऊपर चिमनी लगेगी हमारी, तो चिमनी हमने दे दी यहाँ से। इस टाइप से आपकी चुनी लड़की आएगी। ठीक है, इस तरीके से लगेगा आपका, चिमनी बीच में लटकेगी हमारी। तो ये सिंक के ऊपर का हो गया, जिसमें हम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, कबर्ड वगैरह की डिटेल आ गई, और इसमें क्या आ गया, काउंटर का एलिमेंट आ गया हमारा। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट कमांड से लिखना होगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो एनोटेशन वाली लेयर पे है, टेक्स्ट कमांड पे लिखा, माइक्रोवेव यूनिट आ गई। ये आपका क्या हो गया, और ये लास्ट में आपकी क्या आ गई,
एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या आ गया आपका? अब इनका साइज अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो आप देखोगे साइज क्या हो रहा है, ज़्यादा बड़ा है ना। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, डी एंटर किया, यहाँ पे तीन बने हुए, एक न्यू बनाया, इसको नाम दे दिया स्मॉल डायमेंशन के नाम से या किचन यूनिट के डायमेंशन के नाम से, आप जो भी नाम देना चाहो दे दो। टेक्स्ट हाइट को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके किया, सेट करें क्लोज। तो फिर 3 इंच, हो गया पूरा। ये क्या हो गया हमारा काउंटर, ठीक है। ये आपका काउंटर हो गया, ये डिटेल आ गई पूरी। अब सिंक के अंडर भी डिवीजन, इसके अंदर भी क्या आते हैं हमारे डिवीजन आएंगे काउंटर के नीचे ड्रॉर के। पेंट्री का तो अपना अलग चलेगा, उसके बाद यहाँ इसके ड्रॉर के डिवीजन आते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, एक ड्राइंग उनकी उनकी दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से इधर लेके गए। ये 1.5 इंच अंदर लगता है हमारा, क्योंकि 1.5 इंच से 2 इंच की आपकी नोजिंग आती है। तो अगर हम वुड की डिटेल दिखाएंगे तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा।
अब इतने बड़े स्पेस है, ये कितना है? पांच फीट 6 इंच का, ठीक है। यहाँ पे तो एक कैबिनेट होगा, खुल जाएगा वो। यहाँ पे 5.5 फीट का क्या पूरा एक सिंगल कैबिनेट देंगे? नहीं ना, उसको बीच बीच में तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकते हैं? या तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक बॉटल का दे दें 8 से 8 इंचेस का या 6 इंचेस का, बाकी पूरे को एक कर दें, या जो बॉटल देने के बाद जो स्पेस बचेगा उसको 2 सेगमेंट में तोड़ दें हम, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉटल दूंगा तो 6 इंच का या 8 इंच का आप दे सकते हो बॉटल के लिए। अब मैंने 8 इंचेस का दे दिया, 8 इंच का दूंगा, तब जाके अंदर हमारा क्या बचेगा? 6 इंच का उसकी बास्केट आ पाएगी। जब बॉटल के लिए दे दिया, इसके बाद ये स्पेस कितना बच रहा है यहाँ पे हमारा? 4 फिट 10 इंच के आसपास का स्पेस बच रहा है। अब 4 फिट के लिए क्या करा जाए? दो सेगमेंट में कर सकते हैं, ढाई ढाई फिट के दो करते हैं। ढाई ढाई फिट का एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मोर और लेस आएगा। हाँ, तो या फिर हम क्या करें, दो दो फिट के दें, बॉटल वाले को चौड़ा कर दें, ठीक है। और बाद में बीच में फिलर डालते हैं, फिलर मटेरियल डाल के उसको कवर अप कर दें, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, या हम मैं मिडिल पॉइंट पे दो डिवीजन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे, ये आपका ड्रॉअर हो गया, ये भी ड्रॉअर हो गया, ये आपका बॉटल ड्रॉअर हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ड्रॉअर हो गया। इसी तरीके से इसके नीचे आएंगे हमारे कैबिनेट्स। इसके नीचे के लिए हमने यहाँ मेटल से लाइन खींची, इसको मैं बीच का स्पेस मैंने 3 फिट रखा, नोजिंग 1.5 इंचेस की, कितने का बच रहा है हमारा? 11। इधर की तरफ क्योंकि हमने सारे छोटे ही दिए हैं, इधर की तरफ बड़े दे देते हैं हम, इधर की तरफ छोटे ही रहने देते हैं। अब डॉटेड में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ये सिंक काउंटर की कहाँ आएंगे? ये हमारे नीचे आएंगे काउंटर के। तो इन एलिमेंट्स को कैसा होना चाहिए हमारा? डॉटेड होना चाहिए।
जो काउंटर के नीचे है उस सबको डॉटेड में कर दिया। अब इसके नीचे हम देख देंगे, ये बॉटल के लिए कैप ड्रॉर हो गया आपका, यूटिलिटी ड्रॉर जो है ये पेंट्री का हो गया पूरा आपका, ये माइक्रोवेव का चला गया, यहाँ पे आपका यूटिलिटी ड्रॉर हो गया। तो आप वो यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे ये काउंटर के ऊपर के एलिमेंट्स हमने हाईलाइट करे थे, आप काउंटर के नीचे वाले एलिमेंट्स हमने हाईलाइट कर दिए। ये आपका कटलरी के लिए हो गया और ये दोनों आपके यूटिलिटी के लिए ड्रॉर हो गए आपके। इनके एलिवेशन डिटेल हाइट जो है वो नहीं लिखी है हमने, वो एलिवेशन में आएगी हमारी। तो आप लोग ये ड्राइंग बना के लेके आएंगे, एक ड्राइंग बनी, इसके ऊपर के कैबिनेट्स को हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, नीचे वाले कैबिनेट्स ड्रॉर के लिए हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप कम से कम ये वाली एटलीस्ट बना के लेके आइएगा, ताकि मैं कल इसके एलिवेशन ड्राइंग्स आपको बताना स्टार्ट करूँगा। हाँ क्लिक कर दिए।